हाय फ्रेंड्स, मेरे क्रॉस मर्सी लॉस्ट आर चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नेमपाल सिंह है और एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज का जो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेकर है। एक ऐसी जनहित याचिका जो बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल की गई एक एडवोकेट के द्वारा, और आखिरकार जनहित याचिका क्यों फाइल की गई, क्या कारण था, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक छोटी गुजारिश मैं आप सभी से करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स हाल ही में एक जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक एडवोकेट के द्वारा फाइल किया गया जिसमें कि जो भी नामी ब्रेड कंपनीज हैं जैसे कि ब्रिटानिया है, एक दो और जो फेमस ब्रेड कंपनीज हैं उनको पार्टी बनाया गया और साथ में यूनियन गवर्नमेंट को और साथ में स्टेट गवर्नमेंट को इसमें पार्टी बनाया गया है रेस्पोंडेंट्स के तौर पर। और ये कहा गया है कि जितनी भी ब्रेड कंपनीज हैं और जो भी बेकरी आइटम्स वो बना रही हैं उस पे वो मैन्युफैक्चर डेट जो है बिल्कुल भी मेंशन नहीं कर रही हैं, यानी कि कंपनीज जो हैं जितने भी बेकरी आइटम्स बना रही हैं या फिर ब्रेड्स बना रही हैं, जितनी भी ब्रेड्स जो है सप्लाई हो रही हैं वो जो है बेस्ट बिफोर फ्रॉम द पैकेजिंग वाली डेट या फिर कोई एक पर्टिकुलर समय या अंतराल जैसे कि बेस्ट बिफोर 2 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स फ्रॉम द पैकेजिंग, इस तरीके से जो है उस पर लिखा हुआ होता है। लेकिन बेकरी आइटम्स पे जो है मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है वो बिल्कुल भी मेंशन नहीं होती है। इस केस में पेटिशनर का कहना है कि यदि मैन्युफैक्चरिंग डेट किसी भी ब्रेड पर मेंशन नहीं है, पैकेट पे मेंशन नहीं है, तो किसी भी तरीके से बेस्ट बिफोर डेट का या फिर कोई एक पर्टिकुलर डेट की इस डेट तक जो है वो पर्टिकुलर आइटम ठीक रहेगा उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। तो इस प्रकार से इस मुद्दे को लेकर पेटिशनर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल को फाइल किया और पेटिशनर ने जून 2022 में इस बात को देखा और इस बात को उसने तहकीकात की, एक तरह से कह सकते हैं कि इस बात का पता लगाया कि ज्यादातर मुंबई के कुछ पर्टिकुलर इलाकों में यानी कि ऐसे इलाकों में जो कि स्लम इलाके हैं या फिर झुग्गी झोपड़ियों वाले जो इलाके हैं वहां पर बेस्ट बिफोर जो डेट मेंशन होती है ब्रेड्स पर, उस डेट के गुजर जाने के बाद भी यानी उस अंतराल के जिस अंतराल में कंपनीज क्लेम करती हैं कि वो एक अच्छी या ताजी ब्रेड रह सकती है, उस अंतराल के बाद भी जो है झुग्गी झोपड़ियों के इलाके में वो ब्रेड्स बिक रही थी। तो पेटिशनर ने इस बात का भी पता लगाया कि किसके द्वारा वो बेची जा रही थी, तो उसे एक पर्टिकुलर इलाके में मुंबई के एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में दो वेंडर्स के बारे में पता चला और उसने पता लगाया कि उन दो वेंडर्स के द्वारा जो है वहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। और फिर उसने शॉपकीपर्स से बात की, दुकानदार जितने भी वहां पर थे उनसे बात की कि भाई जो डेट निकलने के बाद यानी कि एक्सपायरी डेट होने के बाद यदि उन वो ब्रेड्स बच जाती हैं तो उसका क्या किया जाता है। तो शॉपकीपर्स ने बताया कि जो ब्रेड्स इस प्रकार की बच जाती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है वापस भेज दिया जाता है। तो उसके बाद वो मैन्युफैक्चरर्स के पास गया, जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि इस प्रकार की ब्रेड्स जो एक्सपायरी डेट के बाद वापस आती हैं उसे दोबारा वेंडर्स के थ्रू जो है सप्लाई के लिए कैटल फीड के लिए भेजा जाता है, यानी कि पशुओं के चारे के रूप में या पशुओं को फीड करने के रूप में उसे भेजा जाता है। पशुओं में जैसे कि गाय, भैंस या डॉग्स, कैट्स जो भी है उनको उनको फीड करने के लिए भेजा जाता है। तो पेटिशनर ने पेटिशन में इस बात को भी कहा कि यदि वो पशुओं के लिए भी भेजा जा रहा है एक्सपायरी डेट के बाद तो वो भी अपने आप में गलत है, वो भी गैर कानूनी है। इसके अलावा जो पेटिशनर है उसने ये स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट से मांगी है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो भी बेकरी आइटम्स बनाते हैं, ब्रेड्स बनाते हैं, उनको ये स्पेसिफिक डायरेक्शन दी जाए कि वो एक्सपायरी डेट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग डेट भी उस पैकेट पर मेंशन करें, यानी कि बेस्ट बिफोर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 45 डेज या जो भी वो पीरियड मेंशन करते हैं फ्रॉम द पैकेजिंग के टाइम से
तो उस पे फ्रॉम द पैकेजिंग ना लिखकर बल्कि उस पे लिखा होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी उस पर मेंशन होनी चाहिए। इस प्रकार की डायरेक्शन के लिए जो है पेटिशनर ने कोर्ट के सामने गुहार लगाई है इस पीआईएल के माध्यम से। साथ में पेटिशन में इस बात को भी कहा गया है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि इस प्रकार की सप्लाईज को, जो ये सप्लाईज हो रही है, इस सप्लाई को किसी भी तरीके से, इस डिस्ट्रीब्यूशन को रोका जा सके। इसके साथ ही साथ पेटिशनर ने इस बात की भी मांग की कि एक स्टेट की तरफ से एक ऐसी विजिलेंस डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दी जाए कि विजिलेंस डिपार्टमेंट इस बात की पता करे, तहकीकात करे कि क्या उन पैकेट्स पे या फिर जितने भी बेकरी आइटम्स हैं उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन हो रही है या नहीं हो रही है, या वो कहां कहां सप्लाई हो रही है, किन किन के द्वारा सप्लाई हो रही है, और यदि एक्सपायरी डेट निकल जाती है या एक्सपायरी डेट के बाद जो है वो अगर कुछ भी आइटम बचता है तो उसका क्या किया जा रहा है, इस प्रकार की मॉनिटरिंग की भी पेटिशनर ने अपनी पेटिशन में मांग की है। यानी कि कहा जा सकता है कि पेटिशनर ने एक बहुत अच्छा कदम जो है इस पीआईएल के माध्यम से उठाया है, और साथ में पेटिशनर ने इस बात को भी मेंशन किया है कि बड़ी बड़ी कंपनीज, जो बड़ी नामी कंपनीज है, वो भी इस प्रकार के काम में संलिप्त है और काफी वो मोटा गेन कर रही है मार्केट से, और लोगों के साथ यानी खास तौर पर बच्चों के साथ, जो बच्चे हैं वो बेकरी आइटम्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पाव्स का और जो ब्रेड्स का, इस तरह का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करते हैं। तो पेटिशनर ने कहा कि ये एक तरह से कंपनीज के द्वारा मिसचीफ है और एक तरह से एक फ्रॉड है जनता के साथ और लोगों के साथ, उनकी सेहत के साथ एक खिलवाड़ है। तो इस प्रकार की जो है बात पेटिशनर ने पीआईएल के माध्यम से कोर्ट के सामने गुहार लगाई है, कोर्ट को ये रिक्वेस्ट की है, और देखने वाली बात यह है कि इस केस में किस प्रकार से कोर्ट इस मैटर को एडजुडिकेट करती है, क्या क्या दलीलें जो है कोर्ट के सामने पेश होंगी, क्योंकि अभी ये हाल फिलहाल में ये पिटिशन फाइल की गई है और पीआईएल में इस केस की सुनवाई जो है 18 जनवरी 2023 में इसको फिक्स किया गया है कि 18 जनवरी 2023 में दोबारा इस केस में सुनवाई की जाएगी कोर्ट के द्वारा। तो कहने का मतलब यह है कि एक बहुत अच्छा कदम, एक सराहनीय कदम जो है इस पीआईएल के माध्यम से उठाया गया। मेरा अपना यह मानना है, हो सकता है कि आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है, लेकिन टाइम टू टाइम काफी मुद्दों को लेकर अलग अलग कोर्ट्स के द्वारा, यानी इस देश में जितने भी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं उनके द्वारा अलग अलग मुद्दों को लेकर पीआईएल के माध्यम से या और किसी लिटिगेशन के माध्यम से काफी ज्वलंत मुद्दे, काफी ऐसे एक कॉमन इश्यूज जिसको कह सकते हैं, सोसाइटी पे जिसका असर पड़ता है, उस तरह के मुद्दे जो है कोर्ट्स के सामने आते हैं, और टाइम टू टाइम कोर्ट्स एक जजमेंट और अपने ऑर्डर्स के द्वारा या गाइडलाइंस के द्वारा जो है कोर्ट जो है बताती है या फिर कोर्ट उस तरह के ऑर्डर्स पास करती है, जजमेंट्स पास करती है, तो ये कहीं ना कहीं लैंडमार्क जजमेंट बन जाते हैं। और मैं ये मानता हूं कि शायद इस केस में किसी भी तरह का यदि वो फैसला आएगा तो वो एक तरह से लैंडमार्क जजमेंट ही माना जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम जो है एक पेटिशनर के द्वारा उठाया गया, जो कि पेशे से एडवोकेट है, जिसने अपनी तौर पर पूरी तरह से वहां पर तहकीकात की। हो सकता है आपका मानना कुछ अलग हो, लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या ये एक अच्छा कदम है, क्या इस प्रकार की लिटिगेशन या इस प्रकार की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होनी चाहिए, इस प्रकार के केसेस कोर्ट के सामने आने चाहिए, तो आपका क्या ओपिनियन है, कृपया अपना ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यदि आपके कोई सवाल है या यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल प्रोविजन पे या फिर किसी सेक्शन पे जो है मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे जो है ईमेल कर सकते हैं। आपके कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप मेरा ईमेल आईडी ले सकते हैं और वहां पर आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, और मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक, ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सजेशंस और अपने जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं, और साथ में
जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो आप देखेंगे कि इस केस में क्या हो रहा है और मैं इस पर पूरी नजर रखूंगा, इस केस पर मेरी पूरी नजर रहेगी। जैसे भी इस केस में कोई डिसीजन आएगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। और ये मेरा अपना भी मानना है कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो है मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है वो पैकेट्स पे होनी चाहिए और एक्सपायरी डेट के साथ साथ और साथ में बेकरी आइटम्स जितने भी है उनकी मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। तो आज के इस टॉपिक के साथ मैं यही इस वीडियो का समापन करता हूं और एक नए टॉपिक के साथ जो है मैं दोबारा आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। और तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।